एक्सटर्नल अपीयरेंस पे हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि इंटरनली हमको उसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है. इतनी वाइटल डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी कि आपके एक तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, योर बोन्स आर बीइंग अफेक्टेड, योर किडनी इज बीइंग अफेक्टेड, योर लिवर इज बीइंग अफेक्टेड, योर स्किन इज बीइंग अफेक्टेड, इम्यून सिस्टम, योर इम्यून सिस्टम इज बीइंग अफेक्टेड. इट इज सच अ क्रूशियल पैरामीटर. विटामिन डी इज नोन एज द हैप्पी हॉर्मोन. विटामिन डी होता है तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो पाता है बॉडी में. विटामिन डी नहीं होगा तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस ठीक से नहीं हो पाएगा. गुड वाइब्स एंड द डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, इरिटेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन एंड वेरी यंग एज. वेरी यंग एज क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जॉब्स हैं, हम इतना अंदर रह रहे हैं, धूप में नहीं जा रहे हैं. धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा रहे हैं. सनस्क्रीन लगाएंगे, अच्छा बॉडी में हमारी स्किन है, मेरी स्किन पर सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट में से यूवी बी रेज जो होती है वो हमारा विटामिन डी बनवा, ठीक है. हमने अगर सनस्क्रीन लगा ली, क्या यूवी बी रेज अंदर जाएंगी? बैरियर, यूवी बी रेज जाएंगी नहीं. तो अगर आप सर्दियों में सनस्क्रीन लगा के सनबेदिंग कर भी रहे हो, नो यूज, देयर इज नो यूज एट ऑल, देयर इज नो यूज एट ऑल, ठीक है. विटामिन डी जाएगा नहीं अंदर. अच्छा अगर थोड़ा बहुत चला भी गया, थोड़ा बहुत आपके लिवर पे जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है. लिवर पे विटामिन डी कैसे हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है? पहले वो लिवर पे जाता है, वहां पे उसका कन्वर्जन होता है एक दूसरे फॉर्म में, फिर वो किडनी में जाता है, वहां पे वो अपने जो एक्टिव फॉर्म में होता है उसमें जाता है. जो हम कोलीकैल्सिफेरॉल का जो टेस्ट, कैल्सिट्रॉल का जो टेस्ट कराते हैं, विटामिन डी थ्री का ब्लड टेस्ट होता है, दैट इज द फॉर्म दैट वी टेस्ट, ठीक है. एंड किडनी में वो जाएगा जब वो उस फॉर्म में परिवर्तन होगा, तभी उसका यूटिलाइजेशन होगा बॉडी. और जो हमारे किडनी में जब हम हमारा यूरिन जो है वो फिल्टर आउट हो रहा होता है, तो कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन जो होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर किडनी, कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, वो विटामिन डी जब कन्वर्ट होता है तब वही विटामिन डी साथ साथ कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड स्ट्रीम में लेके जाता है. अच्छा किडनी स्टोन के केसेस कितने बढ़ गए? I don't think so. Every third person is having the stone right now. Every third person? ठीक है. क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ correlation यहाँ पे इस cycle का समझ में आ रहा है? Vitamin D आएगा नहीं, calcium वहाँ पड़ा रहेगा, पड़ा पड़ा crystallize करेगा और वहाँ पे वो calculi form करेगा, stone form. Stone form. और पहला route कौन सा था vitamin D का? Liver. Liver. क्या gallbladder stones, scoliosis के cases बढ़ गए हैं? Females में बहुत बढ़. Even पहले male को नहीं होता था. बट अभी मेल की फ्रीक्वेंसी भी बहुत है, कोलीलिथियासिस के केसेस बहुत आते हैं. बिकॉज विटामिन डी नहीं, तो कैल्शियम पड़े पड़े क्रिस्टलाइज करेगा. अंडररेटेड है बहुत, अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड है. आपका लिवर खराब, आपका किडनी खराब, आपका मेटाबॉलिज्म खराब, आपकी स्किन अफेक्टेड, आपके बोन्स, बोन्स अफेक्टेड. एंड एक जो सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी मुझे लगता है इंसान में हो रही है ना, तो मैं सबसे पहले दो ही चीजें पूछती हूँ. यस, कि कोलाइटिस तो नहीं बन रहा? सेकेंड, विटामिन डी टेस्ट करा ले आज. तो ऑब्वियसली वो एक इरिटेशन और शायद जो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस हम नहीं हो पाते, वो भी लैक करता है समवेयर. ऑल्सो इफ यू प्रिस्क्राइब दैट विटामिन डी सप्लीमेंट टू योर पेशेंट, महीना भर लेंगे, खुद ही छोड़ देंगे. क्या रखा है? हाँ, क्या रखा है, एक ही तो गोली है. दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. लोगों में जागरूकता स्किन ट्रीटमेंट्स, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, एक्सटर्नल ओनली फैक्टर्स की नहीं होनी चाहिए. लोगों में जागरूकता इन चीजों की चाहिए.